थ्री चीयर्स फॉर अरुंदा अरुंदा हिपिप अरुंदा हिपिप अरुंदा हिपिप। यार तैयार होके रूम से निकल के बाइक को थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट करने आए थे, तो अभी जो देख रहे हैं बाइक का हालत, किक मार ये देखो, पूरा बर्फ जमा हुआ है। देखो इसमें बैठेगा कौन और किक मारेगा कौन, बर्फ जम गया बाइक के ऊपर। ये देखो बाइक की हालत भाई साहब, ये देखो माय गुडनेस। यार बाइक तो स्टार्ट हो नहीं रही है, अभी देखते हैं कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूरा ऊपर बर्फ जम गया है। यार एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज हुई है, अभी किसी का बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये है डोमिनार, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये है बुलेट, ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। पर मेरा बाइक जो है पल्सर RS 200 वो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो भाई ऊपर बर्फ है, धूप में ला करके रखे हैं। रियर व्यू मिरर पर पूरा बर्फ जम गया है। एग्जॉस्ट पर देखो यार पूरा बर्फ ही बर्फ है। बाइक स्टार्ट तो हुई है पर मीटर कंसोल जो है वो थोड़ा सा मैल फंक्शन कर रहा है अभी के लिए। इसको गर्म होने देते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होगा। धूप में गल तो रही है बर्फ। ये देखो मीटर कंसोल के ऊपर देखो। चलो यार अभी डोमिनार को भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या होता है। धूप में सीट के ऊपर का जो बर्फ है वो गल रहा है। अरुंदा मुझे लगता है कि और थोड़ी देर रखनी चाहिए धूप में, बैटरी डाउन है। चलो अभी बुलेट को स्टार्ट करते हैं। चल होएगा लगता है, खुद से बंद हो गया। अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, बैटरी भी नहीं काम कर रही। तो भैया की कार जो है वो रात को स्टार्ट करके ही रखा हुआ था यहाँ पे, खुद से बंद हो गई है और अभी बैटरी डाउन है, ये भी स्टार्ट नहीं हो रही है। यहाँ पर ऐसी हालत है, ये देखो ना कार के ऊपर बर्फ जम गया है। ये देखो धुआं निकल रही है, बर्फ जो है अभी तक जमा हुआ है, गला नहीं है पर गल रहा है धीरे धीरे। तो यार अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रेल है वहाँ पर जा रहे हैं, छोटा सा ट्रैकिंग टाइप। ऊपर जा सकते हैं? ऊपर आ जाते हैं। अच्छा ये वाला रास्ता है? हाँ ये वाला रास्ता है। ये देखो यहाँ पर जितने भी पानी है सब जम गया है। ऊपर चढ़ रहे हैं तो थकान महसूस हो रही है, तो धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। लुक एट दिस व्यू फ्रॉम हियर। वो जो है वो एक ग्राउंड है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी था इसलिए जम गया है। तो सुबह हमने टेम्परेचर जब चेक किया, यहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा था -7 degrees। तो सबो चढ़ने में फट रही है कि नहीं? भाई फट रही नहीं रही, कब का फट चुकी है। फट चुकी। अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, पता नहीं बस जा रहे हैं, कितना दूर जाएंगे ये पता नहीं है। हाँ। पर टारगेट है कि ऊपर तक जाएंगे। अरुंदा कहाँ तक जाना है? अभी देखते हैं ऊपर तक जो रास्ता है। रास्ता तो उसके ऊपर भी है, ऊपर से वैली का व्यू यहाँ से ही गजब लग रहा है। ऊपर से एक्चुअली कांचनजंगा व्यू पॉइंट है। है दिखता है यहाँ से? हाँ दिखता है, दिखता है कांचनजंगा एकदम दैट साइड। अच्छा मैं कुछ दैट पार्ट तो ऊपर से देख सकता है, पॉसिबिलिटीज है। साला हम लोग 500 मीटर भी नहीं आए। हाँ फटके चार तो छोर, चार का 16 हो गया भाई। कितना है? 12,390 feet। कैमरा जरा उधर घुमाओ, 200 फीट ऊपर बस है। वहाँ से जहाँ पे हम हैं मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं है, 300 मीटर के करीब होगा। बस 300 मीटर में वी हैव इंक्लाइन 100 फीट। अगर इधर आना है, अगर आप स्मोकर हो कम से कम 2 महीना पहले बंद कर दो भाई, नहीं तो मर जाओगे। हम लोग सोच रहे थे कि ऊपर चढ़े, यहाँ से चढ़ तो सकते हैं पर उतरने के टाइम रिस्क हो सकता है। चल धन्नो बसंती का इज्जत का सवाल है। तो भैया अभी हमने डिसाइड किया है कि हम लोग यहीं से चढ़ेंगे, अब उतरेंगे कैसे ये पता नहीं है पर चढ़ तो रहे हैं। चढ़ने की कोशिश हो रही है, देखिए। ऊपर चढ़ने में ही दिक्कत हो रही है, अब उतरने में क्या होगा पता नहीं।
ठंड तो काफी ज्यादा है भाई, हाथ जम रहे हैं, नाक जो है वो भी जम रहा है। अभी मास्क पहनकर चश्मा लगाने का एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है चश्मा जो है वो फॉग हो जाता है। तो यार यहाँ पे हम लोगों का फोटोग्राफी हो गई है ख़त्म और हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से नीचे उतरे। तो ये देखो हालत कितना स्टीफ है ये एरिया। तो हमारे अरुंदा द हीमैन पहले पहले चल रहे हैं एज अ पायनियर, और थोड़ा सा अगर हम लोगों की नज़र हट जाएगी तो दुर्घटना घट जाएगी। तो अरुंदा तो उतर गए हैं सक्सेसफुली, अब शोभो की बारी। शोभो भी उतर गया है और मैं उतर गया हूँ ऐसे करके। ग्रेट सक्सेस। तो भैया नाथांग वैली से हम लोग निकल चुके हैं, नाथांग वैली को बाय बाय बोल देते हैं और चलते हैं इच्छे गांव की तरफ। आने के टाइम तो डिक्लाइन था, अभी इंक्लाइन है और ब्लैक आइस जमा हुआ है रास्ते पर क्योंकि रात को बर्फ गिरी थी, तो इसीलिए इंक्लाइन करने में थोड़ा सा ट्रिकी है सिचुएशन। जस्ट थोड़ा सा उतरे हैं और यहाँ पे रास्ते का काम चालू है तो इसीलिए वेट कर रहे हैं हम लोग, 20-25 मिनट लगेगा। और हम लोग सारे यहाँ पर बाइक पार्क करके बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब काम ख़त्म होगा और हम लोग जाएंगे। धूप थोड़ी थोड़ी निकल रही है पर बर्फ़ जो है वो पिघल नहीं रही है, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़ोटो शूटिंग भी चल रही है। यार काम ख़त्म हो गई है अभी तो हम लोग निकल रहे हैं, ये रास्ता अभी अभी बना है तो साइड से हम निकल सकते हैं। अच्छा तो पूरी रोड ही बन रही है। अभी जुलूक होते हुए इच्छे गांव की तरफ निकल जाएंगे। इच्छे गांव जो है वो है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में, वो नॉर्थ बंगाल में आता है। हम लोग अभी है सिक्किम में, हम लोग बंगाल में एंटर कर जाएंगे कुछ देर में। नाथांग से लगभग 104-105 किलोमीटर डिस्टेंस है इच्छे गांव का। इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, हम लोग नीचे उतर रहे हैं इसलिए एयर प्रेशर बढ़ रहा है, कान जो है वो बंद हो जा रहा है। ये है थंबी व्यू पॉइंट, यहाँ से ओल्ड सिल्क रोड दिखता है। ये रहा, अच्छी तरीके से तो नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग है। ये एक्चुअली फॉग नहीं है, बादल है। ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है थंबी व्यू पॉइंट। हेलमेट का स्ट्रैप क्यों नहीं लगाया है? तो बाइक सारे यहाँ पर पार्कड है और इसके सामने पूरा डेड एंड है, फोटो शूटिंग चालू है अभी। तो ये देखो भैया ओल्ड सिल्क रूट, अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है, फिर से बादल जो है वो आ रहे हैं। यार अभी पूरा ढक गया है ओल्ड सिल्क रूट बादल से, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट बादल इम्पोर्टेंट है बाबू। अभी हम लोग ओल्ड सिल्क रूट से उतर रहे हैं नीचे की तरफ। रोड कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। यार फॉग इतना ज्यादा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली फॉग नहीं है, ये क्लाउडी है, 1.5-2 मीटर की डिस्टेंस भी दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर से बारिश
थोड़ी बहुत और बर्फ दोनों ही गिर रही है। इतना फॉग है कि विंडशील्ड जो है हेलमेट का वो उठा कर चलाना पड़ रहा है, तो इसीलिए ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी जुलुक में एक दुकान पर रुके थे, थोड़ा सा चाय पिए, चिप्स खाए और मैगी भी खाया, और इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं इस जगह की तरफ। I think we have entered Bengal. नाथांग से लगभग 6 घंटे की राइड करने के बाद हम लोग आ गए हैं इच्छे गांव, जो कि कालिम्पोंग में है। और आकर के हम लोग घर पे बैठे नहीं है, रेस्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे पता है? ये सबसे पहले इस टोटल राइड के एक्सपीरियंस को हम सुनना चाहेंगे हर एक मेंबर्स के मुंह से। तो सबसे पहले ओरुंदा किछु बोलून ना, कुछ बताइए। मुझे लगा नहीं था कि इतनी आसानी से ये राइड कंप्लीट हो जाएगी, ये बात सही है। मैंने ये पहले भी बताया कि ये जो लड़के हैं जितने भी इसमें तुम वो ये सारे लड़के बहुत ज्यादा स्किलफुल है, नॉर्मली इतने स्किल लोगों की होती नहीं। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू हैव यू एज ए कंपनी। थैंक यू सो मच, यू टू। आई वुड लुक फॉरवर्ड फॉर अपकमिंग राइड। मी टू। टुडे इज द लास्ट डे एंड लास्ट नाइट ऑफ दिस राइड। अभी थोड़ा बॉनफायर हम लोग कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं। अरुंदा के बाजू में ही बैठा है सोबो, कुछ बताओ कैसा लगा? ऐसे हम लोग तो मतलब ऐसे नहीं है कि हम लोग पहला कुछ राइड में निकले हैं, इससे पहले राइड हमने बहुत किए हैं छोटा मोटा। ये अपना ऐसे देखा जाए तो सबसे लंबा राइड है। सही बात है। बाकी राइड तो एक नंबर था, ए क्लास था, और मजा तो भाई जी जान से, मतलब क्या ही बताए। और जब ऐसा कुछ साथी, ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई एल्डर ब्रदर मिल जाए, फिर तो राइड तो क्या साला जन्नत में चले जाएंगे बाइक लेके। सही बात। जाएंगे बाइक में। देबो बता कैसा लगा, कितना मजा आया? एक नंबर बोलती पब्लिक बोलती बैग का एक्सपीरियंस बता। हाँ, तेरा बैग? बैग ठीक है, बैग का कोई दिक्कत रहा नहीं है। मतलब अभी हम लोग ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर कम्प्लीट कर चुके हैं, तो ये लड़का R15 लेकर के आया है 13,500 फीट। ये सिर्फ R15 में चढ़ा है। अभी अरुंदा का बेटर हाफ रिकी दी के मुंह से हम कुछ सुनना चाहेंगे। आप भी बहुत एक्सपीरियंस्ड पिलियन है, आपने बहुत राइड किया है, तो आप राइड के बारे में नहीं सिर्फ ये बताइए कि हम लोगों को कैसा लगा, हम लोगों के साथ राइड करके कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। पहली बार ये सबने इतना रास्ते का सफर इतना स्मूथली किया है, सभी के लिए। थैंक यू सो मच। सबका एक्सपीरियंस हम लोग सुन चुके हैं, और अभी हम लोग सुनेंगे मेरे बेटर हाफ से। बता कैसा लगा तेरे को? बैठ जा, पहले बैठ तो जा, ये पीछे से लाइट आ रही है। ये हमारा ड्रीम कम ट्रू, लाइक ऐसा था एक्सपीरियंस, तो तुझे कैसा लगा? तो बहुत दिनों से कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया, सिर्फ बैक पेन है थोड़ा सा और सब बढ़िया है। तो और करना चाहेगी कि नहीं ऐसे राइड्स? नेक्स्ट मंथ हम सबको स्पीडी ले जा रहे हैं। ट्रिप को खत्म होने वाले हैं आज ही रात, तो एक बड़ा सा क्लब अरुंदा के लिए। थ्री चीयर्स फॉर अरुंदा।
अरुण द हिप हिप तो रास्ता हम लोग भटक गए थे, पर ज्यादा दूर नहीं गए थे, यहीं से हम लोग आए थे और यहीं से हम लोग जाएंगे। छोटी सी चढ़ाई लेकिन करनी पड़ रही है लड़ाई।